जय गुरुदेव। हमारे साथ सूरत कैपेक्स मेंबर है हीरल भाई देसाई। जो सूरत के कोई भी इवेंट हो तो उनका फुल सपोर्ट रहता है, तो तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और हमारे साथ है ब्रह्मचारी गौराम जी, तो मैं हीरल भाई को रिक्वेस्ट करूंगी कि गौरा जी का सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं गौराम जी को बोलूंगी थोड़े ज्ञान के मूर्ति हमारे लिए। जय गुरुदेव। केम छो बद्दा? ग्वाला के साथ हो, कृष्ण के साथ हो तो मस्ती में ही रहेंगे। और कृष्ण के सारे ग्वाल बन कर बेचे हैं इसे। सीनियर टीचर, अपेक्स, सर टीचर्स, वॉलेंटियर, तो ये ऑर्गेनाइज किया आज रवि भाई, रवि भैया ने और उनकी पूरी टीम ने, तो मुझे बहुत हर्ष हो। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला था कि आपको आना ही है, तो जैसे हम स्टेज से उतरे 7:15 बजे, तो मैं सोचा क्या करें, खाना खाए ये थोड़ा सत्संग खाते हैं, पीते हैं, खाते ना सत्संग को पीते हैं, तो उसके बाद खाना खाएंगे। क्योंकि आज कृष्ण रूपी अपने गुरुदेव का अगर इतना सुंदर उत्सव मना रहे और हम लोग खाना खाएंगे तो पचेगा क्या? इसलिए मैंने बोला चलो इधर आते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने 8 डेज का एक श्रीमद् भागवत कथा म्यूजिकली इवेंट इतना सक्सेसफुल इवेंट्स किया, इसलिए प्रतिभा जी है, वीडियस टीम, रवि भैया, सीनियर टीचर फाल्गुनी दीदी, शैलेश जी, खास मेरे अच्छे सबसे बढ़िया श्रोता शैलेश भैया, सीनियर लोग रेखा माँ, मीरा दीदी, तो ये सारे सीनियर मेरे श्रोता जन रह रहे, इसलिए मैं समझता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद पक्का है इसका मतलब। और ये गाने वाले इतने सुंदर गाते हैं, तो मुझे गाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये सब गुरुजी ने सेट करके रखा। और इधर आकर देखता हूँ तो पूरा वृंदावन में जैसे नाच, अमेजिंग। सूरत के लोग सच में खूबसूरत हैं। के बारे में, गुरु के बारे में, कुल देवी के बारे में जब सुने, कोई मूर्ख व्यक्ति हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी प्राणी बोले ना, तो अपने हृदय चक्र में खुलता है। और तब ये जैसे आप लोग नाची ना दम धमा कर ये अट्टल, तो आज हमारे उस गुरुदेव का परम पूज्य श्री रविशंकर जी, उनका आज जन्मदिन है। और क्या है सुंदर तारीख, मैं तेरा तेरा में, तो यहाँ हम एक है, अनेक नहीं है, अनेकों में एक है और एक में अनेकों का। तो ये सुंदर अवसर आज इतना जबरदस्त, जो गुरुदेव ने मुझे ऐसी छवि दिखवाई, तो सोचो ये एनर्जी अभी मुझे कितना सालों तक तो रहेगी। ये मुझे अमेजिंग रवि भैया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। अगर आप मुझे फोन करते नहीं तो मुझे लगता है ये जो पागलों का टोली है ना, ये मुझे नहीं मिलता। क्या सत्संग बजा रहे, क्या गा रहे सारे डंडे, सब सच बात है। आपके आने से सेलिब्रेशंस और बढ़ गई हमारी, क्या बात है। मैं तो आपका बड़प्पन आज कर लूंगा, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ जो आज सीख रहा हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में कैसी सेवा की जाए। पर मैं भी एक कुछ नई चीज देना चाहिए समाज में कि चलो टीचर तो हम बन ही गए सब कुछ, पर भागवत के लिए, तब काफ़ी 2015 की बात है, 14 की बात है, तब दिव्यानंद स्वामी जी कथा करते थे, उसके बाद गुरुदेव ने फिर बोला कि तुम तब मेरी स्टोरी बताऊं।
आटोम में जब ज्वाइन हुआ तो 3 साल तक मुझे मेरा नाम बोलना नहीं आता था। मैं तो लाइक शर्माता था। मुझे पूछे ना तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं नीचे अपने मुंडी रख देता था और पैर पड़ के ब्लेसिंग लेके चला जाता था। 3 साल तक ये काम किया मैंने, कुछ काम नहीं किया हाथों में, यही बिजनेस शर्माने का। पर एक दिन गुरुदेव ने क्यूटी में बुलाया और तब यह था कि गुरुदेव मुझे कुछ जमता नहीं, मुझे बोलना नहीं आता है, तो सब लोग बोल रहे तू घर पे जा, ऐसे बोलते थे काफ़ी सारे लोग, क्योंकि तब मूछ भी नहीं आई थी मुझे, वो छोटा था, मतलब ये तो बाला भी काट दिया इसलिए और छोटा दिख रहा हूँ, तब तो बहुत ही छोटा। तो गुरुदेव ने मुझे बताया तेरे से सब कुछ करवाऊंगा, तब तो ये सब गुरुदेव की वाणी। तो ये है गुरु जो बोलता है वो होता है। मैं तो आपसे छोटा हूँ, आप लोगों का तो अनुभव है साक्षात, पर ये मैंने भी अनुभव किया और मेरे से आज भागवत ये सब कर रहे हम गुरु की कृपा से ही। और उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम वहाँ जाओ ध्यान करो, कुछ कुछ चीज़ें मिक्स करके बोल रहे लोग, वो ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं था, वो भी लोग बोलते हैं कथा में, मैंने किया नहीं समझ, इसका मतलब समझ में आ रहा है। पर आप जो कथा करोगे वो अपनी अलग कथा, कौन सी, अद्वैत कथा। लोग कथा करते हैं वो द्वैत, कि भगवान कुछ और जगह पे है और हम अलग। तो गुरुदेव का कहना है भगवान और जगह नहीं है, तुम भगवान में हो और भगवान तुझ में है, हम एक है, ये है अद्वैत कथा। और वो अद्वैत का साक्षात मूर्ति हम सब लोग है, एक एक जन यहाँ पर बैठे हुए, यही अद्वैत है और क्या। इसलिए ऐसे गुरु हमें इतने जन्मों के बाद, गुरु जी का ये ज्ञान आपको कंठस्थ पर बोल रहा हूँ रिपीट, कि जन्म मिला तो मनुष्य मिला, मनुष्य में आए तो हम भारत में आए, भारत में आए तो गुजरात में आए, द्वारकाधीश के चरणों में, और उसमें भी वही द्वारकाधीश शरीर रूप में आए हैं, हम शरीर में हैं। वो उस समय में गीता बोल रहे थे सदगुरु बनकर, और इस बार वो सुदर्शन चक्र उस समय में था, पर इस बार वही गुरु बनकर सुदर्शन क्रिया लेकर हम सब लोगों का जीवन बदलता। तो इसलिए सब लोगों ने अभी जितने कोर्स हो रहे, जैसे DSN हो रहा है, सहज समाधि हो रहे, ब्लेसिंग स्कोर हो रहे हैं, तो सब लोग पार्टिसिपेंट भेजो और लोगों को हम जैसे जीवन जीने के लिए मौका देना है। क्या कहते हैं आप सब लोग? गुरु जी को गिफ्ट देना चाहते कितने लोग? गुरु जी को शॉल नहीं चाहिए, धोती नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, मोर पंख नहीं चाहिए। गुरु जी को वो लोग चाहे जिसने सुदर्शन क्रिया नहीं किया है। जो लोग पप्पू बने हैं उनको लेके आओ। यस, तो सब लोग आज संकल्प लेके जाएंगे, जो DSN हो रहा है, VTP होने जा रहा है, फिर सहज समाधि हो रहा है, ऐसा ही है क्या? हैप्पीनेस। तो क्या कहते हो आज गिफ्ट? मैं भी कोर्स लेने वाला हूँ यहाँ से जाने के बाद, मैं भी लेने वाला हूँ, मैं तो अच्छे बड़े से कोर्स ले लेता हूँ। लेंगे सब लोग, जो टीचर है वो लोग भी कोर्स लेना अपने हिसाब से, आपको जितना जम रहा है उतना करो, पर कोर्स लेना है। और अभी जो कोर्स है उसके लिए बहुत सारे गुरु जी के फूल भेजो, हीरे घिसाई के लिए शेर को भेजना है। यस गुड। और आप लोगों ने इतने शांति से मेरी बात को सुना, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय गुरुदेव। सारे सीनियर टीचरों को नमस्कार, जय गुरुदेव। और सब लोगों को हैप्पी बर्थडे, सभी को हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू। रवि भैया, जय गुरुदेव। अभी हम रवि लालवानी जी को इनवाइट करेंगे, जो हमारे सूरत के ZTC जोनल टीचर्स कोऑर्डिनेटर हैं। जय गुरुदेव। एक काम करते, आजू बाजू 8 लोगों को हैप्पी बर्थडे बोल दो, चलो जल्दी से।